डियर स्टूडेंट, आज हमें लेना है गैर नातिक अदद का अददी खत पर दिखाना। अददी खत पर नातिक अदद के अलावा कई आदाद होते हैं। अददी खत हम देखे, अददी खत के बजाय एक अददी खत बनाया मैंने, जीरो है, एक है ना। ये जीरो एक ये तो है, कौन से अदद है, ये नातिक अदद है ना। तो इसके अलावा अददी खत पर कई आदाद होते हैं, उन्हें हम गैर नातिक आदात कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक जज़र दो भी एक गैर नातिक अदद है। जज़र दो भी एक गैर नातिक अदद है। तो अब इसको इस पे कहाँ पर आएगा, वो अददी खत पर जज़र दो का मुकाम कहाँ पर आएगा, हम अभी इसको देखो बताएंगे आपको। यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, अददी खत पर जीरो से एक इकाई पर एक नुक्ता ए लिया है ना, और ए से एक इकाई पर खत एल पर एक दूसरा नुक्ता पी लिया है, ठीक है। अददी खत पर जीरो से एक इकाई पर ए नाम दिया, नुक्ता ए, और नुक्ता ए से खत है खत एल पर बराबर इकाई के ऊपर एक नुक्ता पी लिया है। इस तरह ओ को पी से मिला देने से आपको एक मुसल्लस तैयार हो जाएगा, और उस मुसल्लस का नाम रहेगा कायमतुल जाविया मुसल्लस, क्योंकि उसके अंदर जाविया ए के ऊपर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। 90 दर्जे का जाविया होने की वजह से मुसल्लस ओ ए पी एक कायमतुल जाविया मुसल्लस है। तो इस तरह जो है ये यहाँ पर वन है, ये वन है, और हमें ओ पी निकालते आ सकता है। फिसागोरस का मसला लगा के हम मुसल्लस ओ ए पी में ओ पी मालूम करेंगे। अब फिसागोरस का मसला आपको मालूम है, कायमतुज़ाय मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा दो अजला के मुरब्बों के मजमू के बराबर होता है। तो यहाँ वितर कौन है, वितर ओपी है, वितर क्या है, ओपी है। तो यहाँ लिखेंगे हम मुसल्लस ओ ए पी में फीसा गौरस के मसले से, क्या होता है, वितर का मुरब्बा बाकी मानदा दो अजला के मुरब्बों के मजमू के बराबर, यानी ज़िला नंबर एक का मुरब्बा जमा ज़िला नंबर दो का मुरब्बा, ये फिसागोरस के जो है मसावात है। अब यहाँ वितर कौन है, ओ पी, तो हम लिखेंगे ओ पी, वहाँ कुवत दो है तो कुवत दो डालेंगे। ज़िला नंबर एक कौन सा लेंगे अपन, ओ ए, ओ से ओ ए, क्या लिखेंगे, ओ ए, ओ ए की दूसरी। ज़िला नंबर दो जो खड़ा वाला है ये ए पी, ए पी लेंगे हम, ए पी, ए पी की दूसरी। अब हम कीमतें रखेंगे, ओ ए की कीमत है एक, एक की दूसरी, ओ भी है एक, एक की दूसरी, एक का मुरब्बा एक, एक जमा एक कितना हो गया, दो। ओ पी की दूसरी बराबर दो हो गया। कुवत दो हटाने के लिए हम क्या लेंगे, जजरुल मुरब्बा, क्या लेंगे, जजरुल मुरब्बा लेने पर ओ पी बराबर जजर दो, तो ओ पी जजर दो है। ये जो फासला है ना, ये फासला ओ से पी तक, ये जजर दो है, क्या है, जजर दो है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो प्रकार है, प्रकार में मरकज़ ओ मानकर प्रकार को कितना खोलना है, ओ पी के बराबर प्रकार खोलना है। ओ पी के बराबर प्रकार खोलकर यहाँ तक हम प्रकार खोलेंगे, और एक ऐसा क्या बनाएंगे, कॉस बनाएंगे। हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, जो यहाँ पर जो नुक्ता, यहाँ ये जो खत को जो ये कॉस क्रॉस करेंगे ना, उसका नाम दे देने का आप क्यू, हाँ क्यू नाम देंगे, और उसका जो ओ से फासला कितना आएगा, ये कितना है ओ पी कितना है, वही इतना ही ओ क्यू रहेगा, तो जजर दो है ना। नुक्ता क्यू का मुहद्दिद कितना आएगा, जजर दो। इस तरह हमने अददी खत पर जजर दो को दिखा दिया कि जजर दो कहाँ है, अददी खत पर जजर दो आ गया है ना। हम क्या करेंगे, ओ पी को, ओ पी निष्कुत्र लेकर और ओ को मरकज़ मानकर एक क्या खींचेंगे, एक कॉस खींचेंगे,
एक कॉस खींचे, हाँ एक कॉस खींचेंगे, कॉस अददी खत को जिस नुक्ते पर, अददी खत को जिस नुक्ते पर कता करेगा, उस नुक्ते का नाम, उस नुक्ते का नाम क्या देंगे हम, उस नुक्ते का नाम क्यों देंगे, क्यों देंगे, हाँ और ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, जजर दो, हाँ नुक्ता क्यू का मोहद्दित, नुक्ता क्यू का मोहद्दित कितना आ जाएगा, जजर दो। इस तरह अददी खत पर, इस तरह अददी खत पर हमने गैर नातिक अदद, गैर नातिक अदद जजर दो को जाहिर कर दिया।